उसी शताब्दी तक अवशेष मिलने के जैसा हुआ था। उसके बाद बताते हैं किसी पापा के शराब से ये पूरा का पूरा जो शहर है वो उल्टा हो गया। उल्टा मतलब पूरे मकान आपको यहाँ उल्टे दिखाई देंगे। ये कुछ अवशेष मैं आप दिखाऊंगा यहाँ पर भी है, और इस तरफ देखेंगे आप वहाँ पर भी आप मकानों के अवशेष दिखाई देंगे। सांबर उल्टा, उल्टा सांबर इसको बोलते हैं, और यहाँ पर अवशेष भी हैं, और यहाँ पर भी जो पीछे दिखाया मैंने यहाँ भी अवशेष है, वहाँ एक कुआ भी बना हुआ है, उसकी वजह से आप पहचान पाएंगे। यहाँ पर पूरा साफ साफ दिखाई देगा कि तीसरी से दसवीं शताब्दी के अंदर किस तरह के मकान बनते थे, और ये उल्टा कैसे है उसके आपको जो नींव बोलते हैं वो नींव आपको साफ दिखाई देगी वहाँ पर चलते। तो वहाँ चल के देखते हैं, और हमारे साथ है लोकेंद्र जी। लोकेंद्र जी को यहाँ के बारे में पूरा अच्छे से पता है, वो पूरा इतिहास बताएंगे। और थोड़ा सी चर्चा ये बताता हूँ कि आज चौहानों का शासन रहा था, चौहानों की प्रथम राजधानी सांबर रहा है, और उसके बाद उससे पहले की कुछ कहानी है कि किसी बाबा के शराब की वजह से ये उल्टा हो गया था। चलो कुआ है, कुआ देखेंगे चल के, और ये उनकी ये मकान है उनकी नींव कैसे उल्टी है। तो ये हम आ गए नीचे थोड़ा सा खुदाई के दौरान, ये खुदाई बहुत पहले हुई थी। सबसे पहले तो ईंटे देखो उस समय की ईंटे कितनी बड़ी बड़ी ईंटे होती थी, ये देखो ये ईंटे आप देखेंगे ईंटों की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई ये लगभग डेढ़ फीट, तो ये देखो इन ईंटों की आप चौड़ाई देखेंगे लगभग डेढ़ फीट के आसपास इन ईंटों की चौड़ाई है, इसकी लंबाई है, और इसकी चौड़ाई भी लगभग एक फीट के आसपास इसकी चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी। इस तरह की चौड़ी चौड़ी आपको ये दीवारें दिखाई देंगी, ये आपको मकान दिखाई देंगे इस तरह के। और ये आपने जो नींव की बात करा था, ये नींव एक अजीब तरह के पत्थर से बनी हुई नींव है, ये नींव के आप अवशेष देखो, ये नींव के अवशेष है, और ये पत्थर छाजरा पत्थर, छाजरा पत्थर कहाँ का बाटा है, कहाँ मतलब कौन ये है, ये बजरी की खान होती है और नदी नालों में होती है। यहाँ पे जो तरफ पूरा बजरी बजरी की खान है, अच्छा वहाँ निकलते हैं, अच्छा वहाँ पर निकलते हैं। ये उसी समय का तीसरी दसवीं शताब्दी के बीच में ये पूरा बसा हुआ शहर था, तो ये उसी समय का चूना है, ये तो सीमेंट से मजबूत हुआ है, इसकी इसको तो मतलब समझो कि निकालना तो असंभव सा काम है ना। उस तरह आप देखो उन मकानों के नींव देखो, ये पत्थर इतने और नुकीले लग रहे हैं कि सिर्फ ये देखो अभी आपको हिसाब साफ दिख रहा है, ये उल्टा है, ये नींव बनी बनी हुई है उसी समय से। अच्छा ये वो कुआ देखते हैं, जो कुआ उल्टा कुआ बताते हैं, ये कुआ है, इस कुएँ को बड़े सुंदर तरीके से बनाया हुआ है ईंटें, इसकी आप चौड़ाई कुएँ की चौड़ाई देखिए, ईंटें की जो है इसको नींव है इसकी चौड़ाई देखो, ये देखो ज़्यादा गहराई है लेकिन ये उस तरफ से काफ़ी गहरा है। आप देखेंगे इस खुदाई किया है, इसको खुदाई करने के बाद मिट्टी उस तरफ निकाल रखी है, खुदाई करने के बाद मिला हुआ है। और ये कुआ भी इस कमरे के अंदर कुआ है, कमरा नहीं है सर, ये जो अपन पेड़ा बोलते हैं ना पेड़ा, ये चबूतरा जो नहाने का, नहीं 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 कुएं कुएं के ऊपर पाल है, अपन पाल बनाते हैं ना, हाँ वो वाला है, अच्छा वो है, ये वो जगह है। और ये वो कमरा कमरा नहाने के लिए हो सकते हैं, वॉशरूम टाइप जो वॉशरूम जो है दिख रहा है वो वॉशरूम हो सकता है, छोटे छोटे साइज के कमरे इस तरह के, ये देखो। अब उल्टा है, इसके उल्टा होने के निशाने कैसे दिखाई देंगे वो बताओ, उल्टा कैसे, इसको उल्टा कैसे देंगे, ये देखो आप ये देख रहे हो पत्थर, ये पूरे नींव है, अच्छा और अगर इसकी खुदाई करोगे ना तो नीचे वो छत भी निकलेगी, अच्छा नीचे छत निकलेगी, हाँ इसकी खुदाई अभी पूरी हुई नहीं है, अच्छा तो बंद कर दिया गया उसको, इसको ऐसे ही ऐसे छोड़ रहे हैं अभी बंद कर दिया, अच्छा और आज समय सफाई क्या है, ये टॉयलेट क्यों सफाई नहीं होता, पूरा काला होता है इतना, ये करते है अंदर क्या गिरता है समझ में नहीं आता, वहाँ कुछ ज्यादा आपको साफ साफ दिखाई देगा कि उल्टा, ये वाला हिस्सा तो वो हो गया कि जो यहाँ पे जो राजा और रानियाँ रहती थी ना, हाँ तो उनके जो रहते थे काम वाले, ये तो उनका हिस्सा हो गया, ये अच्छा इधर का ठीक है, मेन महल तो वही है, अच्छा मेन महल उस तरह, हाँ मेन महल वो है, अच्छा अच्छा
ये मोहम्मद जी पूछ रहे हैं, मोहम्मद भाई ये सांबर उल्टा सांबर है, उल्टा सांबर राजस्थान जो उसके जयपुर के पास में आता है। ये देखो यहाँ इतना ब्यूटीफुल नज़ारा भाई, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है आपको, आप समझेंगे कि कुल्लू मनाली आ गए। ये देखो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है भाई, पहुँच गया उस सुबह वो महल बोलेंगे उस महल, चलो वहाँ चलते हैं। ये देखो अच्छा उल्टा सांबर गूगल पे सर्च करेंगे तो पता निकल जाएगा। हाँ गूगल मैप पे भी आ जाएगा, गूगल मैप पे आ जाएगा, और वैसे भी उल्टे सांबर के बारे में जानकारी मिल जाएगी। हाँ वो भी मिल जाएगी। अच्छा ये हो गए मकान, कुछ मकान इस तरह हो गए ऐसे करके, और कुछ मकान हो गए वहाँ सेम वैसे मकान बने हैं। इसको इनकी नींव बोलते हैं, नींव है और नीचे का हिस्सा, मतलब ये नीचे का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा नीचे दबा हुआ, वो सेम वैसी ईंटें लगी उसके अंदर भी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी ईंटें, पूरे मसाला का जब लगा हुआ है। अब बताओ भाई कैसे क्या, थोड़ा सा आइडिया लगता है इस चीज़ का, आप जो बता रहे थे क्या। ये देखो बताओ, ये आप ये देख रहे हो गेट, ठीक है गेट के अपने वो था ना ऊपर, गेट से पहले वो एक पट्टी लगाते हैं। हाँ वो वाली नीचे का हिस्सा हो गया, वही है ऊपर का हो गया। अच्छा तो वो अपना जो गेट है वो नीचे की साइड में है, और ये पूरा ऊपर का पोर्शन नीचे वाला पोर्शन ऊपर, नीचे वाला पोर्शन ऊपर हो गया, इसको नीचे का हिस्सा है और मतलब ऊपर का हिस्सा नीचे दबा हुआ है। हाँ ऊपर का नीचे दबा हुआ। अच्छा अच्छा सभी लोग यही बात करते हैं। हाँ तो ये पतली गली से कैसे निकाल रखी इसके अंदर, ये जो निकाल रखी है इसके अंदर, ये तो मुझे आइडिया नहीं इसका तो। अच्छा अच्छा यहाँ भी कुआ है कोई, यहाँ भी कोई कुआ बना हुआ नहीं, यहाँ पे कुआ नहीं है, साइड में कुआ है। अच्छा ये देखो यह मकान है, या मानता यही है कि ये सारा का सारा किसी बाबा, किस बाबा की मानता थी, कैसे क्या हो गया था। यहाँ पे कोई फकीर बाबा आए थे। अच्छा अच्छा के लिए तो गेट से ही द्वारपाल ने यहाँ से निकाल दिया था उनको, और बताते हैं कि उन्होंने उनको भिक्षा एक साथ भी नहीं दिया, पानी किया तो उन्होंने अपना पूरा कटोरा उल्टा कर दिया, फिर बाद में ये जगह सुरक्षित हो गई। अच्छा अच्छा और अभी भी कोई कुछ भी नहीं लेकिन कोई चीज़ यहाँ से अंदर से बाहर नहीं जाती, बाहर नहीं जाती। अच्छा जी तो ये सारा शहर पूरा उल्टा हो गया था, पूरा पूरा शहर गांव जो भी था ये पूरा उल्टा हो गया। ये राजधानी की प्रथम चौहान। अच्छा ये चौहानों की प्रथम राजधानी रही है। हाँ अच्छा ये राजधानी थी, एक तो बड़े को साइज अब ये देखिए सब, अब ऊपर चल के थोड़ा भी दिखाते हैं उसके बाद मात्र हुई है। अच्छा क्या अवशेष निकलते हैं इसके अंदर से, इसमें एक वो मटका नहीं होता कि चांदी का मटका, और कुछ कांसी के बर्तन और सिक्के और मूर्तियाँ निकली थी। अच्छा अच्छा वो सारे के सारे कहाँ रखे हैं, जयपुर जयपुर। हाँ जयपुर म्यूजियम है अलवर में। अच्छा वहाँ लिखा भी आपने कहा, लिखा वहाँ पे भी टोटल चीज सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखी है वहाँ पे, पूरे इतिहास के बारे में। अच्छा ये जो एरिया कितनी दूर फैला हुआ है इसे? ये है 60 देगा, यानी कि 6000 यहाँ पे 1000 का भी लोग। अच्छा 6000 का चलो जो भी है 60 बीघा भाई बता रहे हैं, 60 बीघा बता रहे हैं, तो ये कहानी पूरी पूरी इसमें इन मकानों की है भाई, ये इसे ये खुदा इसी की मिट्टी ये साइड में लगा निकाल रखी है। हाँ ये इसी। पुराना सांभर और मैं न्यू सांभर में रहता हूँ, हमारे पास भी पास ही है ये जगह, बिल्कुल रोमेश जी बहुत बढ़िया अच्छा है। तो रोमेश जी आप बता दो, यही बात है जो हमने इसमें रिकॉर्ड किया पूरा का पूरा, क्योंकि इसके बारे में जानकारी ऐसी ही है, तो भाई वीडियो को शेयर कर दो। ये सांभर का इलाका भाई बहुत ब्यूटीफुल, मैंने कभी देखा नहीं था राजस्थान भी इतने ब्यूटीफुल होगा, लेकिन अब हम पूरे पूरे कई जगह जाने वाले हैं, ये तो बहुत सुंदर नज़ारा हो रहा है बारिश की वजह से।
इतनी ग्रेन थी मतलब पता नहीं कुल्लू मनाली पहुंच गए।